हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्रो। मैं आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा, आपके पास भी एक सैमसंग मोबाइल है तो आपका मोबाइल पर आप कभी ना कभी यह पर जो स्टोरेज बूस्टर है इसमें आप क्लीन करते समय इसके ऊपर एक बार प्रेस कर दिया होगा, जिससे आपके मोबाइल पर ए वाला जो ऐप्स जिप्ड ऐप से नाम से जाना जाती है, ये ऐप्स आपके मोबाइल पर चला आया। तो आप कैसे आप इस ऐप को अपना मोबाइल से परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं, वही ट्रिक आज इस वीडियो पे देखेंगे। तो मेरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। और मेरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आप देखेंगे कैसे आप अपना मोबाइल से जिप ऐप्स को परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले आपका मोबाइल पर जो होम स्क्रीन पर चलाना है। होम स्क्रीन के आने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद देखो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएंगे आपका मोबाइल पर, होम स्क्रीन सेटिंग्स, तो होम स्क्रीन सेटिंग्स के ऊपर एक बार प्रेस कर देना। देने के बाद यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास सामने को देख जाएंगे। और देखने के बाद देखो एकदम नीचे की तरफ जो ऑप्शन है हाइड ऐप्स, तो देखो यहाँ पर जो दिख रही है हाइड ऐप्स, इसके ऊपर एक बार प्रेस कर देना। तो देने के बाद यहाँ पर आप एकदम नीचे चला जाना। जाने के बाद जो जिप ऐप्स है यहाँ से भी कर सकते हो, और आप यहाँ से भी सर्च करके कर सकते हो। तो जिप ऐप्स यहाँ से सर्च करने के बाद इसके ऊपर एक बार प्रेस कर देना। देने के बाद जो अप्लाई वाला ऑप्शन है आप इस अप्लाई को कर देना। करने से आपका जो जिप ऐप से, देखो ये मेरा मोबाइल से जो जिप ऐप था वो परमानेंटली रिमूव हो गया। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से आपका मोबाइल में जो जिप ऐप से उसको आप परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो को अच्छी लगी तो मेरा वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आपको कोई भी तकलीफ हो तो मेरा कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से कमेंट कर सकते हो। और मेरा चैनल पर नया नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नया नया जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए।